अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम स्कूल की वेबसाइट को अपने स्टडीज़ के लिए अब कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले तो वेबसाइट खोलते हैं, एड्रेस बार में स्कूल की वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं, CAUSEWAY.EDU.PK, एंटर किया तो ये हमारे सामने वेबसाइट का इंटरफेस आ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये नीचे एक अहम सेक्शन है अनाउंसमेंट्स का, जिसमें कोई भी अहम अनाउंसमेंट जो आपके लिए हमने करनी होगी वो यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो इसे आपने रोज़ाना चेक करते रहना। अपना अकाउंट खोलने के लिए आप यहाँ आएंगे, ऊपर यहाँ स्टूडेंट लॉगिन लिखा है, यहाँ हम एंटर करते हैं। इस जगह पे यूजर नेम लिखेंगे, और यहाँ पे पासवर्ड, यूजर नेम्स और पासवर्ड्स आपको SMS के जरिए भेज दिए गए हैं। इसके अलावा अगर नहीं पता तो आप ये स्कूल के नंबर्स पे कॉल करके भी कंफर्म कर सकते हैं कि आपका यूज़र नेम क्या है। ये आपका अकाउंट खुल गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त इंग्लिश की एक असाइनमेंट है, जो है कि प्रिपेयर हॉलिडे सिलेबस, जो छुट्टियों का सिलेबस दिया गया है उसकी प्रेपरेशन करनी है, और उसका टेस्ट जो है वो 6 अप्रैल को लिया जाएगा। वो टेस्ट भी यहीं पर आ जाएगा, उसका लिंक होगा जिसको क्लिक करके आप अपना टेस्ट यहीं से दे सकते हैं। इसके अलावा साइंस की भी एक असाइनमेंट है कि उसका भी जो सिलेबस है छुट्टियों का वो आपने प्रिपेयर करना है, और 6 तारीख को उसका भी यहीं पर टेस्ट होगा। इसके अलावा नीचे ये एक सेक्शन है जिसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपने पढ़ के तो यहाँ पर मार्क करना है। यूं इनको चेक करके कि ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं और आपने अहद कर लिया कि आपने ये रोज़ाना करनी है, और उसके बाद आपने नीचे अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। अटेंडेंस हर स्टूडेंट की हर रोज़ लगेगी, इसलिए ये एक बहुत अहम चीज़ है कि आप हर रोज़ अपनी अटेंडेंस यहाँ पे मार्क करें। इससे पता चलेगा कि आप कितनी रेगुलरली ये सब काम कर रहे हैं। सी, ये अटेंडेंस लग गई है। ये रोज़ाना आप इसी तरह से अपनी अटेंडेंस मार्क करते रहेंगे, और जो असाइनमेंट्स के और अटेंडेंस के मार्क्स हैं वो उसके बाद आपके जब स्कूल रीओपन होगा तो उसमें इसको रिजल्ट में शामिल कर दिया जाएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।